हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति यादव. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 14 ऑफ हिंदी लिटरेचर ऑफ क्लास थर्ड. द चैप्टर नेम इज बुद्धिमान खरगोश. सो एवरीवन, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इंटेलिजेंस ऑफ रैबिट, हाउ ही सेव द लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल. सो लेट स्टार्ट. एक सिंह वन में रहता था, पशुओं को नित खाता था, जिसके कारण सभी दुखी थे, सबका दिल घबराता था. यानी एक जंगल में, सिंह मतलब शेर, वन मतलब जंगल. तो यानी एक जंगल में एक शेर रहता था, पशुओं को नित खाता था. यानी वो रोजाना, नित मतलब रोज, यानी वो रोजाना जंगल के जानवरों को खाता था, जिसके कारण सभी दुखी थे, सबका दिल घबराता था. और जिसके कारण सारे जंगल के जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और सबका दिल बड़ा ही घबराता था. सब पशुओं ने मिलकर सोचा, चलनी है अब ऐसी चाल, एक जीव नित पहुंचा देंगे, जिससे रहें सब नबेहाल. तो नाउ इन दिस स्टैंजा द चैप्टर वाज़ टू टेल अस दैट कि सब पशुओं ने मिलकर सोचा, चलनी है अब ऐसी चाल. तो यानी यहाँ पर सारे जानवरों ने मिलकर सोचा कि चलो हम एक ऐसी चाल चलते हैं कि एक जीव नित पहुंचा देंगे, मतलब एक जानवर जिसमें जान होती है, जिससे रही ना सब बेहाल. तो यानी वैसे सारे परेशान रहते थे, अब उन्होंने एक चाल चली कि हम जाना तो है ही सब वहाँ पे, खाता तो शेर रोज ही है, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम रोज़ाना एक एक जानवर को शेर के पास भेज देते हैं. तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि रोज़ाना वो एक जानवर को शेर के पास भेज देते थे. बहुत दिनों के बाद आई नन्हे खरगे की बारी, आखिर उसने भी कर ली अपने मरने की तैयारी. अब बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सारे जानवर जाते रहे, अब क्या हुआ, अब किसकी बारी आई, अब छोटे से खरगोश, खरे मतलब खरगोश, खरगोश की बारी आ गई. तो आखिर उसने भी कर ली मरने की तैयारी. तो मतलब अंत में उसने भी सोचा कि अब तो मेरी भी जान जाने वाली है, जब मैं शेर के पास जाऊँगा तो शेर मुझे मारकर खा लेगा. अब क्या हुआ, सी समय टाल कर धीरे धीरे जब देखा हो गई है दिए, पास सिंह के जाकर बोला, महाराज सुन लीजिए शेर. तो अब क्या हुआ, यानी समय टालकर मतलब उस अपने समय को निकाल रहा था, धीरे धीरे वो जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत डर था, सोच लिया था कि वो मर जाएगा. और जब उसने देखा कि अब तो देर हो गई है, तब तो शेर और नाराज होगा. तो पास सिंह के जाकर बोला, महाराज सुन लीजिए शेर. तो उसने पास जाकर क्या कहा, शेर के महाराज सुन लीजिए मुझसे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. उसने अगर वो मुझसे पूछेगा, शेर ने, खरगोश ने सोचा कि अगर वो मुझसे पूछेगा कि तुम्हें देर क्यों हो गई है, तो मैं अब क्या बोलूँगा. तो उसने एक विचार सोचा, मिला राह में सिंह एक से एक ऐसा, जैसे स्वामी आप, बोला मैं राजा हूँ वन का, तू जाता है किसके पास. यानी खरगोश ने यहाँ पर शेर को बताया कि महाराज मुझे रास्ते में एक ऐसा शेर मिला जैसे स्वामी आप हो, यानी मालिक जैसे आप हो ना, वैसे मुझे एक रास्ते में बहुत बड़ा शेर मिला और मुझसे बोला कि मैं हूँ राजा इस जंगल का, तू किसके पास जा रहा है. ऐसा सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया, ऐसा सुनकर के ऐसा कौन आ गया, यानी मैं तो इस जंगल का राजा हूँ और ये किस राजा की बात कर रहा है. अब नावसी, बहुत तरह से विनती करके उसे मना कर आया हूँ, सिंह दूसरा पथ में बैठा, यही खबर मैं लाया हूँ. तो यहाँ पर खरगोश ने शेर को क्या बताया कि महाराज मुझे इसलिए देर हो गई क्योंकि मैंने उससे बहुत विनती की, मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्रार्थना की और उसे ये मना कर आया हूँ कि जो दूसरा शेर है वो कहाँ बैठा है, वो रास्ते में बैठा हुआ है, पथ मतलब रास्ता, और मैं यही समाचार लेकर आया हूँ कि जो दूसरा शेर है वो रास्ते में बैठा हुआ है और मैं उसे बड़ी विनती करके आया हूँ. अब फिर क्या हुआ, सिंह भूख से व्याकुल था, सुनकर खरगे से ये हाल, गुस्से से वह लगा गरजने, बोला करके आंखें लाल. तो नाउ व्हाट हैपेंड इन दैट, सिंह मतलब शेर भूख से व्याकुल था, यानी बेचैन था, शेर को बहुत तेज भूख लगी थी, बड़ा ही बेचैन था वो की वजह से. सुनकर खरगे से ये हाल, यानी वो खरगोश से ये हाल सुनकर, ये स्थिति सुनकर इतना गुस्से में लाल हो गया, गुस्से में लगा गरजने, वो दहाड़ने लगा गुस्से से, और बोला आंखें करके लाल, और अपने गुस्से में बड़ा ही दहाड़ कर बोला, क्या बोला, सी अच्छा चल दिखला तू मुझको,
है कहाँ वह सिंह तेरा, उसको ही खाऊंगा पहले फिर निपटारा होगा तेरा। निपटारा मतलब खत्म करना। तो शेर इतना गुस्से में था, उसने खरगोश से कहा कि ठीक है चल तू दिखा कौन है वो तेरा शेर जो खुद को जंगल का राजा बता रहा है, पहले मैं उसे खाऊंगा जाकर के और बाद में उसके बाद मैं तुझे ख़त्म करूंगा। सो नाउ व्हाट हैपेंड एवरीवन, तब खरगोश ले चला उसको कुआं दिखाकर जंगल के बीच, बोला भय से प्रभु आपके कूट छिपा वह इसमें नीच। मतलब तब क्या किया, खरगोश ले चला उसको, तब खरगोश उसको उसको फॉलो करता रहा, उसको ले जाता रहा, उसको रास्ता बताता हुआ ले चल दिया उसको कुआं दिखाकर जंगल के बीच। और उसने क्या किया, उसने कुएं की ओर इशारा कर दिया और वो कुआं कहाँ था, जंगल के बीचों बीच। बोला और खरगोश ने क्या बोला शेर से, भय से प्रभु आपके कूद छिपा हुआ इसमें नीच। दुष्ट, नीच मतलब दुष्ट और पुरा। तो यानी उसने कहा कि भय मतलब डर, कि महाराज आपके डर के कारण ये वो जो बुरा जो दुष्ट शेर है वो इस कुएं में कूद गया है, वो छिप गया है कूद कर इसमें। सो नाउ व्हाट हैपेंड, क्रोधित सिंह देखकर अपनी छां मतलब परछाई, क्रोधित मतलब गुस्सेल, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर तुरंत कुएं में कूद पड़ा, गरज गरज कर जान गंवा दी, खरगा हंसता खड़ा रहा। यानी जो क्रोधित जो शेर था जो जंगल से आया था वो अपनी परछाई देखकर तुरंत कुएं में कूद पड़ा, वो जल्दी से सीधे। तो वो जैसे ही उसने अपनी परछाई कुएं में देखी उसे लगा ये वही शेर है और वो जल्दी से कुएं में कूद गया। गरज गरज कर जान गंवा दी, खरगा हंसता खड़ा रहा और उसने दहाड़ दहाड़ कर, जब उसे कोई बचाने वाला नहीं था, उसने अपनी जान को खो दिया। वह खरगा हंसता रहा खड़ा और खरगोश वहीं पर देखकर उसे खड़ा हंसता रहा। खरगोश यदि बुद्धिमान न होता, चलता जोन अनोखी चाल, तो बलशाली सिंह सभी को खा जाता बिन आए काल। सो एवरी वन, इन दिस लास्ट स्टैंजा दैट चैप्टर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट कि खरगोश यदि बुद्धिमान यानी चतुर ना होता, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ना होता और ये ऐसी अजीब सी सबसे अलग अगर वो चाल ना चलता तो क्या हो जाता, बलशाली मतलब ताकतवर, वो सभी उस ताकतवर शेर के आगे क्या हो जाते, सभी जानवर निढाल हो जाते और वो सबको बिना मौत के ही बिना उस उनके काल को आए हुए ही उनको खा जाता। Okay everyone, so I hope you have read this chapter proper and enjoyed. Thank you everyone.